सर्वप्रथम महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विद्यालय प्रांगण में आपका कीमती समय निकाल कर आए। मैं अनंत सिंह, यहाँ बी ए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ और आप यही क्षेत्र ग्राम चौरा का निवासी भी हूँ। महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आज आखिर कैसा वातावरण हो गया है? सरकार कह रही है वो हमको नए फायदे देगी, परंतु लोग कह रहे हैं कि हमको नए फायदे नहीं चाहिए, हमारे जो पुराने नुकसान है वही हमको रहने दीजिए। जैसे किसानों को नए फायदे देते देते सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो गई, वर्ष भर से उन्होंने दुखद यातनाएं झेली है, सरकार को झेलना ही पड़ा। माइक और गरीब ले लो। यही हाल यहाँ उत्तर प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों का है। वे कह रहे हैं कि हमको पुरानी पेंशन दो, हमको पुरानी पेंशन दो, परंतु सरकार उनको नई पेंशन के फायदे गिनवा रही है। इसी दौरान जो विधायकों और सांसदों को पुरानी पेंशन है, केरल त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन है, नई पेंशन देकर उत्तीर्ण क्यों करना चाह रहे हैं? माननीय आप एक सम्मानित पद पर हैं, आप बहुत दिनों से विधायक भी हैं और आप वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं। अभी मैंने 3-4 दिन पहले आपकी फोटो माननीय नरेंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी देखी। तो महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप हमें जो विधायकों और सांसदों को पुरानी पेंशन मिल सकती है, तो शिक्षकों और कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल सकती? महोदय, मेरे पिताजी भी एक अध्यापक हैं, वो हमसे कहा करते हैं कि बेटा पढ़ लिख लो। धन्यवाद। देखिए, आपने फार्म लॉस की बात की, आपने फार्म लॉस पढ़े हैं पूरे? मेन मुद्दा पुरानी पेंशन को लेकर बने रहा है। अच्छा, ये आपको कैसे जानकारी है कि विधायक और सांसदों की पुरानी पेंशन है और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं है? अच्छा, बहुत सारी पेंशन हर स्टेज में कहीं अगर वो मिले रहे मिले सब पेंशन मिल रही है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। पंचायत में रहे। देखिए, ये एक जहाँ तक की फार्म पेंशन की बात है, ये एक इसमें एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी छुपा हुआ है, जो सरकार को निर्णय लेने से पहले इकॉनमी के उस फाइनेंशियल बर्डन को भी देखना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है, ठीक है, लोग माफ़ी मांग करते हैं, मांग करना भी चाहिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब तक आवाज़ नहीं उठाएगी, जब तक मांगे नहीं रखेगी, मांगों को नहीं रखा जाएगा, तब तक सरकार के पास वो आवाज़ पहुँचेगी कैसे, जानकारी पहुँचेगी कैसे? ये सबका अधिकार है। कर्मचारी भी मांग रहे हैं, शिक्षक भी मांग रहे हैं, तमाम और भी जितने भी फील्ड के और लोग हैं, सब लोग मांग रहे हैं। आप लोग को लगता है आप लोग ने मांगा है, सरकार ने, आप प्रतिवेदन भी कई गए हैं सरकार के पास, लेकिन एक बहुत हैवी फाइनेंशियल बर्डन भी इसमें है कि अगर सरकार उसे करेगी तो एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन भी सरकार के ऊपर आएगा। सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम नहीं करेंगे, ये तो सरकार ने नहीं कहा कि हम इसको खारिज करते हैं या हम इसे नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, उन्हें अपना फाइनेंशियल एक जो मैनेजमेंट है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हुए इसको धीरे धीरे सरकार को उसको लागू करना पड़ेगा। अगर हम ये आप ये कहो कि ये जो फैसला है ये आप एक ही बार में कर दो, सबका एक साथ हो जाए बिल्कुल, तो बाकी और चीज़ें जो समाज में जो डेवलपमेंट के लिए है उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आप ये भी फिर बाद में ये कहोगे कि भाई सड़कें ठीक नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, इसको भी कैसे ठीक होगा? तो ये हर चीज़ एक एक पूरा बहुत बड़ा, हम तो केवल कह सकते हैं, हमने कह दिया, लेकिन एक गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करना है उनको और भी लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक करने के लिए उनको हर डिपार्टमेंट को एक फंड एलोकेट होता है, बजट होता है, तो बजट में हर डिपार्टमेंट के पास फंड एलोकेट किया जाता है। अगर एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन केवल एक स्कीम के लिए सरकार कर देगी, अन्य स्कीमें कैसे चलेंगी प्रदेश में? और अन्य स्कीमें नहीं चलेंगी तो फिर उत्तर प्रदेश के आम नौजवान कहेंगे कि इस पे काम नहीं।